विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब पक्ष विपक्ष के बीच भारी तकरार होती है, तो क्या विधानसभा के अंदर तकरार का असर विधायकों के निजी संबंधों पर भी पड़ता है? शायद हां भी और शायद ना भी। इस रिपोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक मथुरा महतो नीरा यादव को दीदी कहकर बुलाते हैं और नीरा यादव मथुरा महतो को भैया बोलती हैं। ये वो संबंध है जिसका असर सदन के भीतर होने वाले तकरार के बाद भी नहीं टूट पाता। हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि सदन के भीतर कड़वे और नोकझोंक वाली कार्यवाही का असर विधायकों के निजी संबंधों पर भी पड़ता होगा, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने संबंधों को बरकरार रखते हैं। सदन में पक्ष विपक्ष तो होता ही है और सब चाहता है कि हम अपने आइडियोलॉजी पर, अपने नीति पर, अपने पार्टी का दर्शन को रखने का प्रयास करता है। और संबंध जो होता है, रिश्ता जो होता है, ये हम लोग का लोकाचार है। सदन का बात अलग है, सदन का बात किसी मुद्दे पर होता है, और यहाँ तो हम लोग लोकाचार अपना भाई बहन है, दोनों मिलते जाते रहते हैं। हमारे बड़े हैं माननीय मथुरा महतो जी, सीनियर वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, तो उतना सम्मान देना चाहिए और हमारे संस्कार में है बड़ों का सम्मान देना। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सहित अन्य दलों से जुड़े विधायक सदन के भीतर और सदन के बाहर पार्टी लाइन पर काम करते हैं। इस दौरान वो अपनी विचारधारा का भी पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन जहां तक निजी संबंधों की बात है, विधायक खुलेआम ये स्वीकार करते हैं कि विचारधारा, निष्ठा को गिरवी रखकर संबंध बनाना उन्हें कतई स्वीकार नहीं। राजनीति अपनी जगह है, रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन विचारधारा भी अपनी जगह है। अब हम लोगों की दोस्ती लाख हो जाए, लेकिन विचारधारा से समझौता हम लोग नहीं कर सकते। जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो जो एमएम के विचारधारा के लोग हैं, वो जेएमएम के विचारधारा के लोग हैं। तो विचारधारा भी अपनी रखनी है, संबंध भी अपना रखना है। व्यक्तिगत रिलेशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि सदन के बाद जाने के बाद निकलने के बाद बहुत ज़्यादा कोई न मुलाकात होती है न ऐसा है। लेकिन जहाँ लगता है कि हाँ यह गलत बात है या सदन के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हाँ, सभी लोगों का एक ही चिंता रहता है कि हम लोगों के लिए, जनहित के लिए हम काम करने के लिए आए हैं, तो इसलिए विरोधाभास किसी मुद्दा पर होना चाहिए। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायक सीपी सिंह और विधायक इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक को लोग भलीभांति जानते हैं, लेकिन ये दोनों विधायक जब कभी आपस में मिलते हैं, ऐसा लगता है उन दोनों के बीच का प्रेम अद्भुत है। सदन की कार्रवाई के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक आम बात है, लेकिन सदन की कार्रवाई के बाहर एक ऐसा रिश्ता है जिसे सभी विधायक निभाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि संबंध एक दिन में नहीं बनते। कैमरा सनवल के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची।